और इसमें ये है कि मैंने टू सम्स आपको करवाने हैं इस वीडियो में, इस एपिसोड में, और एक सम जो है आप खुद से करेंगे, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एडिशन के सम्स, स्टेटमेंट वाले सम्स ऑफ एडिशन विद स्टेटमेंट, ठीक है, और सिंगल डिजिट के करेंगे। ये है पार्ट वन इसका, ठीक है। मतलब सम्स एडिशन के ही हैं लेकिन वो स्टेटमेंट वाले हैं। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि एक स्टेटमेंट दी होती है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने सम को सॉल्व करना होता है। फर्स्ट सम करते हैं, और इसमें ये है कि मैंने टू सम्स आपको करवाने हैं इस वीडियो में, इस एपिसोड में, और एक सम जो है आप खुद से करेंगे, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आपको ये वाले सम्स जो हैं वो समझ में आ गए हैं। टू सम्स मैं करवाऊंगी, एक मुझे करके आप भेजेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। नितिन हैज फाइव ब्लू बॉल्स एंड फोर रेड बॉल्स, कि नितिन के पास फाइव जो है वो ब्लू बॉल्स हैं और फोर हैं वो रेड बॉल्स हैं। हाउ मैनी बॉल्स डज ही हैव इन ऑल, उसके पास टोटल कितनी बॉल्स है इन ऑल। इन ऑल मैं आपको अलग अलग तरह से बताऊंगी कि किस तरह से स्टेटमेंट आ सकती है, ठीक है। इन ऑल का मतलब टोटल बॉल्स उसके पास कितनी है। तो इसमें कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, यहां से हमारा जो है आंसर स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह की जब हमने सॉल्व करना होता है, जिसमें हमने लिखना होता है सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स लिखनी होती है, तो वहां पर हम ऊपर लिख देते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि आंसर हमारा एंड में आता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिख के, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है, तो इस तरह से लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू फाइव, को फाइव बॉल्स है ना उसके पास ब्लू, ठीक है। नंबर ऑफ रेड बॉल्स, रेड बॉल्स कितनी है उसके पास, फोर, तो फोर लिख दिया, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स फाइव, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू फोर, ठीक है, इज इक्वल टू करके लिख देना। फिर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कैसे आएंगी, आपको भी पता है कि अगर आपके पास फाइव ब्लू बॉल्स हैं और फोर रेड बॉल्स हैं और पूछा जाए आपसे कि कितनी बॉल्स हैं आपके पास टोटल, तो आप फाइव और फोर को प्लस कर दोगे और फिर बता दोगे कि मेरे पास नाइन बॉल्स है, ठीक है, तो इनको प्लस कर देंगे। प्लस का साइन आपने लगाना है, लगाओ, नहीं लगाना तब भी कोई बात नहीं, आपको आइडिया होना चाहिए बस, ठीक है। फाइव और फोर को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है नाइन। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है इज इक्वल टू नाइन, तो आंसर क्या आ गया, नाइन बॉल्स, ठीक है। इस तरह से करते हैं। सेकेंड सम जो है वो है, स्टेटमेंट देखिए, देयर वर थ्री रैबिट्स इन अ फील्ड, एक फील्ड में थ्री रैबिट्स थे, ठीक है। फाइव मोर रैबिट्स केम देयर, और पांच और रैबिट्स, मोर का मतलब होता है और आ गए वहां पर, ठीक है, और पांच रैबिट्स जो है वहां पर आ गए। हाउ मैनी रैबिट्स आर देयर इन द फील्ड, और रैबिट्स जो है अब कितने हैं फील्ड के अंदर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, थ्री और फाइव को ऐड करेंगे, लेकिन हमें स्टेटमेंट लिखनी है। सॉल्यूशन वर्ड पहले ही बता दिया, लिखना है लिखिए, नहीं लिखना तो ऐसी कोई बात नहीं है, करना भी स्टार्ट कर सकते हैं सब। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम जितने रैबिट्स वहां पर थे, तो नंबर ऑफ रैबिट्स इन द फील्ड कितने थे वहां पर, ऑलरेडी थ्री, इज इक्वल टू थ्री हो गया। नंबर ऑफ मोर रैबिट्स केम, नंबर ऑफ जो बाकी रैबिट्स और रैबिट्स आए वो कितना था, फाइव, तो फाइव लिख दिया, इज इक्वल टू करके फाइव लिख दिया। फिर थर्ड स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट क्या आएगी, टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स, ठीक है, टोटल नंबर रैबिट्स का क्या है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह छूटी है ना, तो मैंने इज इक्वल टू यहाँ नहीं डाला, इज इक्वल टू एक दूसरे के नीचे डालेंगे तो अच्छा भी लगता है और आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी, ठीक है। इज इक्वल टू करा और थ्री और प्लस फाइव को ऐड करा, प्लस का साइन लगाना है लगाओ, नहीं लगाना तब भी ऐसी बात नहीं है। तो फाइव और थ्री को जब ऐड करते हैं या फिर थ्री और फाइव को ऐड करते हैं तो आंसर आता है एट। तो कितने रैबिट्स हो गए वहां पर टोटल, एट, तो आंसर इज इक्वल टू एट रैबिट्स, ठीक है। तो ये जो ना मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, बहुत सारे सम्स जो है मैं आपको करवाऊंगी इसमें काफ़ी सारे, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज सिंगल डिजिट के करवा रही हूँ और आगे आगे जाकर डबल डिजिट, थ्री डिजिट्स वाले और भी सम्स जो है आपको स्टेटमेंट वाले मैं करवाने वाली हूँ। और लाइक भी कर लेना वीडियो को अगर अच्छी लगी तो, ठीक है। अब आ गया वो वाला सवाल जो आपको करना है, ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ वो क्या है सम। क्वेश्चन नंबर थ्री जो आपने सॉल्व करना है वो है, देयर वर फोर बर्ड्स सिटिंग ऑन ए ट्री, एक ट्री के ऊपर फोर बर्ड्स बैठे हुए थे, ठीक है। थ्री मोर बर्ड्स केम देयर, और कितने बर्ड्स और वहां पे आ गए, थ्री और आ गए, ठीक है। हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर ऑन ए ट्री, और वहां पर अब
कितने जो हैं बर्ड्स हैं, ठीक है, ट्री के ऊपर अब कितने बर्ड्स हो गए दोनों मिलाकर, ठीक है। तो ये सब आपने करना है, जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखी है बिल्कुल वैसे ही स्टेटमेंट आप लिखना। और अगर आप एक पेरेंट हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बच्चे को ये वाला सम दे दीजिए, पहले दो भी उसको दिखा दीजिए ताकि वो समझ ले, और तीसरा उसको बोलिए कि वो करे। आपको आता है नहीं आता नो प्रॉब्लम, आप बच्चे को दे दीजिए और जो वो अपनी नोटबुक में लिखता है वो उसको उसकी पिक खींच कर जो है मुझे आपने व्हाट्सएप कर देनी है या फिर मेल करनी है, ठीक है। तो सम इसी तरह से करना है जैसे मैंने किया है, स्टेटमेंट लिखी है प्रॉपर इसी तरह से करके, और करना कैसे है पिक खींच कर मुझे व्हाट्सएप कर देना है। लेकिन कहाँ करेंगे, तो मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7380000878 पर, ठीक है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, और साथ में और या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल कहाँ पे करेंगे, savi0878@gmail.com, ठीक है, या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना और या फिर आप मुझे मेल कर देना, दोनों में से कुछ भी चीज़ आप कर देना, और बस करना ऐसे ही नोटबुक पे या किसी पेपर पे करके पिक खींच के मुझे भेज देना। तो चलिए करते हैं अब गुड बाय। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया तो लाइक के बटन को ज़रूर ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, और शेयर भी कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएगा, क्योंकि विद्या ना बांटने से बढ़ती है। और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज़ की सारी वीडियोस जो हैं वो आपको मिले, आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। तो ठीक है, जल्दी जल्दी मुझे करके भेज दो, क्योंकि कल की वीडियो में मैं फिर आपका नाम भी लूँगी, ठीक है। जो बच्चे मुझे सम करके भेजेंगे ये वाला, उन सब बच्चों का मैं नाम लेने वाली हूँ कल की वीडियो में, अराउंड इसी टाइम पर आएगी वीडियो, तो इससे पहले पहले, इससे काफ़ी एक दो घंटे पहले जो है ना मुझे ज़रूर आप भेज देना करके, ताकि मैं चेक करूं और फिर आपका नाम ले लूं, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।